9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा, 4th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रैक्टिस सेट 4.3. इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो. अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक बता देते हैं. पहले इसका बेसिक है कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो. ऐसे पांच बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे प्रैक्टिस सेट 4.3 आधारित है. ठीक है, देखो सब्सटीट्यूशन से भी आएगा बट आंसर राइट आंसर करेक्ट मिलेगा बट एग्जाम में टीचर रॉन्ग देंगे उसको, क्योंकि इसको यही पैटर्न से मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड से नहीं करना है. अगर आप ए की जगह यहाँ 7 पुट करोगे और बी की जगह पे 3, आपको आंसर पीछे से करेक्ट मिलेगा बट मेथड रॉन्ग होकर आपको एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं अलाउड है. ये कैसे करना है, इसको सब्सटीट्यूशन से नहीं करना है बल्कि ये पांच प्रिंसिपल यूज करके करना है. इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो. ये प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करना है हर एक सम. तो मैं नोटबुक में बता दूं पहले इन्वर्टेंडो ये पांच प्रॉपर्टीज क्या है. सो पहली प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो, सपोज ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, एक रेशियो है, ये एक प्रपोर्शन है. ठीक है, अगर मैं इसको इन्वर्टेंडो करूंगा बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट हो जाएगा यानी उल्टा, तो बाय इन्वर्टेंडो अगर मैं इसको इन्वर्टेंडो करूंगा तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी, दोनों इन्वर्ट होगा, एक इन्वर्ट होगा ऐसा नहीं है. ए अपॉन बी, बी अपॉन सी हो गया और सी अपॉन डी अपॉन सी इन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसे कहते हैं बाय इन्वर्टेंडो. सेकेंड, वापस से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. अभी मैं इसको अल्टरनेंडो कर रहा हूँ, अल्टरनेंडो सेकेंड प्रॉपर्टी, तो बाय अल्टरनेंडो क्या होगा, कोई भी एक को तुम क्रॉस चेंज कर सकते हो, कोई भी एक वेरी कोई भी एक प्रपोर्शन को चेंज, जैसे ए डी की जगह पे जा सकता है और डी ए की जगह पे, या बी और सी को क्रॉस कर सकते हो. तो मैं बी और सी को करके बता रहा हूँ ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी. ए क्रॉस होके सी की जगह पर गया और सी क्रॉस होके बी की जगह पर गया, तो कोई भी एक को हम लोग जगह चेंज कर सकते हैं, यानी सी अपॉन ए अपॉन बी था तो ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी, या आप लोग ए और डी जैसा रिक्वायर्ड है ए और डी को भी क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, इसे कहते हैं बाय अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो राइट, सेकेंड प्रॉपर्टी अल्टरनेंडो. थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो अल्टरनेंडो हार्डली यूज होता है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, हार्डली यूज होगा, बट इन्वर्टेंडो ज़्यादातर यूज होगा. और अभी आगे जो चार कर रहे हैं कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो. तो वापस प्रपोर्शन है, सपोज ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये एक रेशियो है. ऑलराइट, अभी मेरे को अगर इसको कॉम्पोनेंडो करना है तो कॉम्पोनेंडो मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ऐड होगा और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा. ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ऐड होगा और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, दैट मीन्स ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ऐड हुआ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जाकर न्यूमरेटर से ऐड हुआ और डिनोमिनेटर एज इट इज. तो ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड बाय कॉम्पोनेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो राइट, अल्टरनेंडो कॉम्पोनेंट अल्टरनेंडो. ये क्या है कॉम्पोनेंडो, ये क्या था फर्स्ट वाला इन्वर्टेंडो, यहाँ मैंने ब्रैकेट में रीजन लिखने की जगह ऊपर लिखा है. ठीक है, कॉम्पोनेंडो. नेक्स्ट फोर्थ, अब ये भी एक मैथ से बस थोड़ा सा हटके, और कुछ नहीं है, बेसिक वही मेथड सारे आंसर्स वही आएंगे. सो फोर्थ वाला है डिविडेंडो, सेम प्रपोर्शन है, सपोज ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. अगर मैं इसको डिविडेंडो करूंगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी, इसे कहते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो राइट, डिविडेंडो. सो ये है डिविडेंडो, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो सब राइट साइड पे होगा. सो फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो गई. लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, सपोज सेम एक रेशियो है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. सो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो लास्ट प्रॉपर्टी, तो इससे क्या होगा, ये मैंने रीजन लिखा है, क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो.
a plus b upon a minus b equals to c plus d upon c minus b. राइट, सो पांचों प्रॉपर्टी मैंने समझा दी. देर आर फाइव प्रॉपर्टी जिसमें सेकेंड प्रॉपर्टी खास यूज नहीं होगी, एक आध जगह पे यूज होगा, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मोस्टली यूज होगी. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. मेन क्वेश्चन वन, प्रैक्टिस सेट 4.3 का मेन क्वेश्चन वन दिया, a अपॉन b इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 और इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b. तो ये गिवन है, यहाँ से सम स्टार्ट होगा, a अपॉन b इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, ये गिवन है. ऑलराइट, अभी a के आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 5 और b के आगे 3, तो मुझे इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग 5 अपॉन 3 करना है. मुझे a के आगे 5 चाहिए, b के आगे 3, तो a अपॉन b है ना, तो मैंने 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया a अपॉन b को. तो जो मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा उसे मुझे राइट पे भी करना होगा, जो मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा इक्वल के लेफ्ट साइड पे वो मुझे राइट साइड पे भी करना होगा. अच्छा, ये साइड भी लिख सकते हैं 5 अपॉन 3, ज़रूरी नहीं कि ये साइड ही लिखो. ऑलराइट, सो जो मैंने यहाँ पे 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 5 अपॉन 3 ऑन बोथ साइड. क्यों 5 अपॉन 3 किया, वापस बता दूं, a के आगे 5 है, b के आगे 3 है, तो मेरे को a के आगे 5 लाना है, b के आगे 3, तो यहाँ पे भी 5 और 3 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे किया तो राइट पे भी करना होगा. ठीक है, 5 इंटू ए 5 है अपॉन 3 इंटू बी 3b इक्वल्स टू 7 5 35 अपॉन 3 3 9. ऑलराइट, अभी मुझे 5a और 3b मिल गया, 5a और 3b मिल गया. अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे 5a प्लस 3b चाहिए, 5a माइनस 3b चाहिए, तो ये तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को मैच हो रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंड. तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करूँगा. ऑलराइट, सो इसको मैं आगे क्या करूँगा, ब्लर हुआ या इट्स करेक्ट, मैं आगे लिखूंगा बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. ऑलराइट, बाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9. ऑलराइट, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 35 प्लस 9 इज 9 प्लस 5 44. ऑलराइट, 44 अपॉन 35 माइनस 9 इज 26. करेक्ट, या ऑलराइट, सो मुझे 44 अपॉन 26 आया. अगर ये आगे डिवाइड होता है तो करना है वरना छोड़ देना है. तो ये डिवाइड हो रहा है, 11 2 22 sorry 2 22 44 और 2 1 2 2 3 6, तो 22 अपॉन 13 मेरा आगे डिवाइड होकर आंसर आया. सो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 22 अपॉन 13, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है. ऑलराइट, लेट्स चेक. सो फाइनल आंसर इज 22 अपॉन 13. ऑलराइट, देखो मैंने रीजन यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ डैश डाल के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लाइन बच जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, मैं इसमें कुछ भी होमवर्क नहीं दूंगा बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके फिर वो डाउट सम पूछते हैं, सर आपने ये क्यों नहीं सिखाया, सर आपको हार्ड लग रहा था एक्सेट्रा, तो मैं सारे सम सिखा रहा हूँ. सेकेंड, 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b², जिसको आगे का आता है यू ऑल कैन स्किप द वीडियो एंड डू इट बाय योर ओन, फिर आंसर चेक कर सकते हो एज यू ऑलवेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये मुझे फाइंड करना है सेकेंड मेन क्वेश्चन टू में, 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b², ये मुझे फाइंड करना है गिवन जो स्टार्ट में दिया था क्वेश्चन में, a अपॉन बी 7 अपॉन 3. अब देखो a के आगे 2 है बट a के ऊपर पहले स्क्वायर है पावर, तो पहले a का स्क्वायर करना होगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई, a का स्क्वायर है b का स्क्वायर है तो पहले मुझे इनको स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर a स्क्वायर के आगे 2 है, b स्क्वायर के आगे 3, तो मैं 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. सबसे पहले देखो a के ऊपर पावर स्क्वायर है और b के ऊपर पावर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a² अपॉन b² इक्वल्स टू 7² 49 अपॉन 3² 9. स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये a का क्या बन गया, a² अपॉन b²
इक्वल्स टू 7² / 3² यानी 49/9। और यहाँ रीजन लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऑलराइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने। अभी ए स्क्वायर के आगे क्या है 2 और बी स्क्वायर के आगे 3, तो मैं क्या करूंगा 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से। अगर मैंने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इक्वल के राइट साइड पे भी करेंगे, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 49/9। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 2/3 ऑन बोथ साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट 2 × a² / 2a² / 3 × b² / 3b² = यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करना है, वरना नहीं। तो 3 के टेबल में 49 तो आता नहीं, तो कैंसिल नहीं हो रहा है। इक्वल मल्टीप्लाई होगा 2 × 49 = 2 × 9 = 18 1 = 2 × 8 + 1 = 9 98/3 × 9 = 27 तो 98/27 आ रहा है। 2a² / 3b² आ रहा है 98/27। अब यहाँ पर देखो 2a² + 3b² / 2a² - 3b² तो 2a/3b² आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या होगा 2a² + 3b² न्यूमरेटर + डिनोमिनेटर / न्यूमरेटर - डिनोमिनेटर 2a² + 3b² / 2a² - 3b² तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या होगा 98 + 27 / 98 - 27। ऑल राइट, ठीक है। देखो 2a² + 3b² / 2a² - 3b² तो 98 + 27 / 98 - 27 ये हमें फाइंड करना था। ऑल राइट, देख सकते हो यही फाइंड करना है। तो इसको हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया तो ये आ गया। इधर रीजन याद से लिखना है, क्या रीजन आएगा बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज 2a² + 3b² / 2a² - 3b² = 98 + 27 करना, और नीचे 98 - 27 तो +8 + 7 = 15। मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, आप लोग साइड में लेके ऐड कर सकते हो, ठीक है। 15 × 1 = 10 + 2 = 12 = 125 / 98 - 27 = 8 - 7 = 1 9 - 2 = 7, ठीक है 71। तो 125/71 ये मेरा सेकेंड का आंसर है, फर्स्ट के सेकेंड का। सो दिस इज माय आंसर। राइट, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्या ढूंढना है, a³ - b³ / b³ ये हमें ढूंढने बोला है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट का a³ - b³ / b³, तो ये माइनस और नीचे कुछ नहीं, मतलब ऊपर माइनस हो रहा है न्यूमरेटर में, तो ये डिविडेंडो वाला केस है। लेकिन उसके पहले a और b पे क्यूब है, तो हमें गिवन क्या दिया है, हमें a/b दिया है गिवन। हाउ मच a/b क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट, देखो a/b यहाँ पर दिया है, वही हमेशा यूज होगा। a/b कितना दिया, 7/3, सो a/b हमें दिया है 7/3। तो यहाँ पर क्यूब है क्यूब, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो a³ / b³ = 7³ कितना होता है, 7 × 7 = 49 लिख देता हूँ, वरना 7³/3³। ऑल राइट, सो क्या होगा, यहाँ पे रीजन याद से लिखना है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। राइट, सो नेक्स्ट a³ / b³ = 7³³ = 343 / 3³² मैंने साइड में 7³ करा, चेक किया, मुझे याद नहीं था बट वो याद रहना चाहिए, क्यूब का टेबल तो याद होना चाहिए। सो 343/27। ऑल राइट, सो वी गॉट a³/b³, लेकिन हमें a³/b³ नहीं चाहिए, हमें तो a³ - b³/b³ चाहिए। तो अगर मैं इसको कॉम्पोनेंडो करूँगा, सॉरी डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो में तो प्लस होता है, माइनस है ना, तो अगर मैं इसको डिविडेंडो करूंगा तो मुझे डिजायर्ड आंसर आएगा, मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। सो बाय डिविडेंडो क्या होगा, a³ - b³ / b³ = जो लेफ्ट में होगा न्यूमरेटर - डिनोमिनेटर। राइट, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, क्लियर, न्यूमरेटर - डिनोमिनेटर / डिनोमिनेटर, तो a³ - b³ / b³। तो
क्या होगा यहाँ पे 343 माइनस 7 द होल अपॉन 7, ऑल राइट। सो सॉरी 343 माइनस 27 है, ये 27 द होल अपॉन 27, ऑल राइट। अभी 343 माइनस 27 क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल्स टू 343 माइनस 27, साइड में लेके चेक कर लेते हैं, 343 माइनस 27, सो बोरो हुआ 13 माइनस 7 विल गेट 6, 5, 5, 13 माइनस 7, सॉरी 6, 13 माइनस 7, 6, ऑल राइट, और 3 माइनस 2, 1, और ये 3, 315, सॉरी 316, तो ऊपर हमें मिलेगा 316 अपॉन डिनोमिनेटर में 27, ऑल राइट। ये दोनों भी शायद नहीं, कोई टेबल में नहीं जा रहा है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ऑल राइट। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, बहुत इजी था। नेक्स्ट फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, फोर्थ है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस, अब ये बहुत इजी है मेरे हिसाब से, तो होमवर्क लाइक का सम है, बट क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे बाद में फिर बहुत सर ये क्यों नहीं किए, सर करके दो, तो अलग से वीडियो बनाना बहुत प्रॉब्लम है, इसके लिए कर रहा हूँ। तो 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, ये हमें फाइंड करना है। a अपॉन b हमें क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मच, 7 अपॉन 3, राइट। अभी a के आगे क्या है, 7, और b के आगे 9, तो मुझे a के आगे 7 चाहिए, b के आगे 9, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग 7 अपॉन 9 ऑन बोथ साइड, 7 अपॉन 9, राइट। थोड़ा सा इक्वल शिफ्ट कर देता हूँ, और 7 अपॉन 9 मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, और यहीं पे मैंने रीज़न लिख दिया, क्या लिखूँगा, रीज़न मल्टीप्लाइंग 7 अपॉन 9 ऑन बोथ साइड, ऑन, क्यों मैंने 7 अपॉन 9 से, क्योंकि एक के आगे 7 है, बी के आगे 9 है, तो एक के आगे 7 लाना है, बी के आगे 9, इसके लिए 7 अपॉन 9 बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू ए 7a अपॉन 9 इंटू बी 9b इक्वल्स टू 7 7s आर 49 अपॉन 39s आर 27, ऑलराइट। अभी देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऊपर प्लस है न्यूमरेटर में, नीचे माइनस, तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने पर मुझे आंसर मिल जाएगा। सो 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सो राइट साइड भी वैसा ही होगा, 49 प्लस 27 अपॉन 49 माइनस 27, ठीक है। नेक्स्ट 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b इक्वल्स टू 49 प्लस 27 कितना होता है, 16 वन कैरी 76 अपॉन 49 माइनस 27, 9 माइनस 7 2 बचा 4 22, सो 76 अपॉन 22, अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको करना है, और 2 11 जा 2, 2 3 जा 6 1 कैरी, 2 8 जा 16, सो 38 अपॉन 11, तो फाइनल आंसर मेरा है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b इक्वल्स टू 38 अपॉन 11। बाय दैट मेन क्वेश्चन वन कंप्लीट हो गया, मेन क्वेश्चन वन के ऑल फोर सम्स मैंने कर दिए। नेक्स्ट क्या आएगा, मेन क्वेश्चन टू, मेन क्वेश्चन टू, अब इधर गिवन ये 15a² इधर a और b का वैल्यू नहीं दिया है, ढूंढने बोला है, कुछ प्रपोर्शन दिया है, और पहले देखो ये गिवन था और ये ढूंढने बोला था ऐसा कुछ, बट अब यहाँ पर ये गिवन है और a अपॉन b ढूंढना है पहले, और फिर a और b मिलने के बाद रिमेनिंग सब ढूंढना है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, सो क्वेश्चन टू में दिया है 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इक्वल्स टू 47 अपॉन 7, ये गिवन है, और फर्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें a अपॉन b ढूंढना है फर्स्ट, ऑलराइट। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे ऑटोमेटिकली a अपॉन b आएगा, तो क्या करना है इसको, बाय कॉम्पोनेंडो, अच्छा रीजन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अब मैंने लिख दिया है तो लिख देता, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, बाय कॉम्पोनेंडो ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, COMP-DIVD, ठीक है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी होगा लेफ्ट साइड पे, ये न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 15a² प्लस 4b² ये मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है,
plus denominator 15a square minus 4b square, all right, the whole upon numerator minus denominator. That means 15a square plus 4b square minus 15a square minus 4b square. देखो 15a square plus 4b square numerator और 15a square minus 4b square denominator, numerator plus denominator upon numerator minus denominator. और right side पे भी वही होगा क्या, 47 plus 7 upon 47 minus 7. 47 plus 7 upon 47 minus 7. अभी bracket open होगी. So, ये इसके आगे plus sign है, तो plus 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 सब same रहेगा. 15a square plus 4b square. देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब plus sign है. So, plus ये same रहेगा यहाँ पे. Plus 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 15a square plus minus minus 4b square. Alright? फिर इसके बाहर भी कुछ नहीं है, तो plus sign है. तो plus 15a square, denominator में, डिनोमिनेटर करो प्लस 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 15a स्क्वायर और प्लस 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 4b स्क्वायर, ये माइनस है. माइनस प्लस माइनस 15a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर. देखो यहाँ चेंज आया, माइनस प्लस माइनस 15a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर. ऑलराइट, इक्वल्स टू नेक्स्ट इधर क्या आएगा, 47 प्लस 7 कितना होता है, 7 14 54 अपॉन 47 माइनस 7 कितना होता है, 40. ऑलराइट, नेक्स्ट अब यहाँ पे ध्यान दो, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस 15a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. सो 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर 30a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 54 अपॉन 40. इसको चाहिए तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, तो बाद में ही अभी ये क्रॉस होगा फिर करेंगे. अभी 8 क्रॉस होके कहाँ जाएगा, 54 के पास. 30 क्रॉस होके कहाँ जाएगा, 40 के पास. सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 54 अपॉन 40. 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर पे गया और 30 है, इक्वल टू के साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा. देखो इक्वल टू की उस तरफ 8 जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. यहाँ डिनोमिनेटर में, वहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, और 30 यहाँ न्यूमरेटर में था, क्रॉस होके इक्वल के इस तरफ डिनोमिनेटर में आएगा. अभी जो डिवाइड हो रहा है कर सकते हैं, जैसे 8 1 8, 8 5 40, करेक्ट. और कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 के टेबल में ना, 2 15 30, 2 2 4, 1 carry, 2 7 40. और डिवाइड हो रहा है, 3 5 15 और 3 9 27. ऑलराइट, सो 9 मिला अपॉन 5 into 5. सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिला हमें 9 upon 5 5 is 25. बट हमें सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिला यहाँ पे न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 2 5 5 5 is 25 मिला. लेकिन हमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो ए अपॉन बी चाहिए, स्क्वायर भी नहीं चाहिए. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हटाना है दोनों तरफ से, तो स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ भी रूट आएगा. तो 9 का रूट कितना होता है, 3, और 25 का रूट 5. ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसका रूट, तो 9 का रूट 3, 25 का रूट 5. और यहाँ रीजन लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ऑलराइट, बोथ साइड पे मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये शॉर्टकट में sq.root लिखा है मैंने. ठीक है, मुझे फाइनली a अपॉन b मिल गया, यानी मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकेंड का फर्स्ट पार्ट मुझे क्या ढूंढना है, a अपॉन b. तो मुझे a अपॉन b मिल गया, कितना मिला है, 3 upon 5. ऑलराइट, एक बार a अपॉन b मिला, अब ये जो आगे के पार्ट्स है ये a अपॉन b का वैल्यू यूज करके करना है. इसका रोल खत्म हो गया, इसकी मदद से हमने a अपॉन b ढूंढ लिया. अब सेकेंड पार्ट में हमें 7a-3b, 7a+3b डायरेक्ट a अपॉन b का ये वैल्यू यूज करके करना है, और आगे का सब. ठीक है, सो क्या है सेकेंड, क्या फाइंड करना है, 7a-3b upon 7a+3b. सो सेकेंड का सेकेंड हमें ढूंढना है 7a-3b upon 7a+3b, ये फाइंड करना है. a अपॉन b हमें कितना मिला है, जस्ट मिला हमें अपॉन b 3 upon 5. तो इसको यूज करना है. अभी देखो a के आगे क्या है, 7, b के आगे 3, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 7 अपॉन 3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 7 अपॉन 3 ऑन
ये साइड मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू के साइड भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 7/3 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 7/3 ऑन बोथ साइड, ऑल राइट, मल्टीप्लाइंग 7/3 ऑन बोथ साइड, यहाँ मैंने अच्छे से नहीं लिखा बट डिक्टेट अच्छे से कर रहा हूँ। 7 × 7 × 3 × 3 = 37 जा, अच्छा यहाँ देखो 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो क्या बचा 7/5, 7a/3 भी है 7/5, अब यहाँ देखो माइनस है प्लस है, 1 + 1 - तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो, बट प्रॉब्लम ये माइनस ऊपर है प्लस नीचे, हमेशा प्लस ऊपर रहता है माइनस नीचे, इधर उल्टा दिया है, कोई बात नहीं, पहले इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो करेंगे फिर इन्वर्टेंड हो करेंगे, तो बाय, अच्छा रीजन में लिखूंगा, तो 7a + 3b / 7a - 3b, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड है ना, ऊपर हमेशा ऊपर प्लस रहता है नीचे माइनस, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है माइनस ऊपर प्लस नीचे, बाय डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाय डिविडेंडो सर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की जगह डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो कर दो, तो वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ 5 ही प्रॉपर्टी है, सो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस, तो लेफ्ट साइड पे भी 7 + 5 / 7 - 5, यहाँ रीजन याद से लिखना है, क्या आएगा रीजन, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, राइट, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7a + 3b / 7a - 3b = 7 + 5 = 12 / 7 - 5 = 2, राइट, सो 2 × 1 = 2, 6 × 6 = 1, हमें मिला 6/1, बट ये हमें नहीं ढूंढना है, हमें जो फाइंड करना है वो तो माइनस ऊपर है प्लस नीचे, ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाय इन्वर्ट एंडो मतलब उल्टा करना पड़ेगा, तो 7a - 3b / 7a + 3b, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट हुआ तो ये भी इन्वर्ट होगा, 6/1 = 1/6, और इधर रीजन क्या आएगा, बाय, यही हमें फाइंड करना है, बाय इन्वर्ट एंडो, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था, तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। थर्ड, सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या है, सेकेंड का थर्ड पार्ट, सेकेंड का थर्ड पार्ट हमें ढूंढना है b² - 2a² / b² + 2a² राइट, तो कॉपी कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन, सो हमें ये फाइंड करना है b² - 2a² / b² + 2a² अभी हमें जो मिला है गिवन में, हमें जो फाइंड किया पहले a/b कितना था, a/b 3/5, ये हमने फाइंड किया a/b, लेकिन यहाँ पे b आगे है a पीछे है, हर सम में a आगे था b पीछे, अब इधर थोड़ा उल्टा दिख रहा है b आगे a पीछे, तो पहले इसको इन्वर्ट एंडो करना पड़ेगा ताकि b ऊपर आ जाए और a नीचे आ जाए, तो बाय इन्वर्ट एंडो क्या होगा, b/a = 5/3, बी पहले है ए बाद में, इसके लिए जो a/b का वैल्यू 3/5 हमें मिला था उसको हमने इन्वर्ट किया, सो a/b को b/a = 5/3, और यहाँ रीजन याद से लिखना है, क्या रीजन आएगा, बाय इन्वर्ट एंडो, राइट, बाय इन्वर्ट एंडो, सो ये इन्वर्ट हो गया, अभी देखो b के ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, या वेरी गुड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, b² / a² = 5² / 25/3² = 9, राइट, b² a² भी कर लिए, अभी b के आगे तो कुछ नहीं यानी 1 है, और a के आगे, b² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन a² के आगे क्या है, 2, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 1/2, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, b² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग बाय 1, और a² के आगे 2, तो 1/2, तो जो हम लोग लेफ्ट साइड पे करेंगे वही हम लोग राइट पे भी करेंगे, ऑलराइट, सो 1 × b² / b² / 2 × a² = 25 × 1 = 25 / 9 = 18, ठीक है, b² / 2a² आया 25/18, ठीक है, यहाँ रीजन याद से लिखना, क्या लिखोगे रीजन, मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड, सो b² / 2a² आ गया 25/18, अभी मुझे यहाँ एक माइनस चाहिए एक प्लस चाहिए, लेकिन ऊपर माइनस नीचे प्लस दिया है, तो वही प्रॉब्लम है पहले वाला, इसके ऊपर वाले सम जैसा, पहले हम लोग इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको इन्वर्टेंडो कर देंगे,
सो बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर 25/18 आया, इसको हम लोग क्या करेंगे बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो यहाँ पेज खत्म, मैं ये पेज भी कर रहा हूँ, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन, इसको मैं देखो इसको मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर रहा हूँ, बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25/18। तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 25+18 अपॉन 25-18। ऑलराइट, इसको मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया तो बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25+18 अपॉन 25-18। क्या रीजन आएगा बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सो क्या नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस एज इट इज प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25+18 5+8 13 एक कैरी 4 43 अपॉन 25-18 7 ठीक है। तो 43/7 हमें इसका आंसर मिला, बट प्लस ऊपर है माइनस नीचे, फाइंड करना जो है उसमें माइनस ऊपर है, देखो जो फाइंड करना था उसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे, तो इसको क्या करना पड़ेगा इन्वर्ट एंडो। तो बाय इन्वर्ट एंडो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इन्वर्ट क्या इक्वल्स टू 7/47। ऑलराइट, ये हमें फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना है, इसको मैंने क्या किया इन्वर्ट एंडो। तो यहाँ रीजन याद से लिखेंगे बाय इन्वर्ट एंडो। ऑलराइट, ये हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। देखो सब्सटीट्यूशन से ये आंसर ला सकते हैं बट मेथड रॉन्ग मिलेगा क्योंकि कंपलसरी है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से करो, सब्सटीट्यूशन मेथड से नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सो बी क्यूब माइनस टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस टू ए क्यूब ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ये हमें फाइंड करना है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमें जो फाइंड किया था पहले ए अपॉन बी कितना मिला है हमें, ए अपॉन बी 3/5। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है बी पहले ए बाद में, तो क्या करना पड़ेगा बाय इन्वर्ट एंडो। तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू 5/3 रीजन बाय इन्वर्ट एंडो, जो हमें दिया था उससे उसका हमने इन्वर्ट एंडो किया पहले सबसे पहले स्टेप में क्योंकि बी आगे ए पीछे, तो ए अपॉन बी दिया है ना 3/5, तो बी अपॉन ए किया 5/3। अभी देखो बी और ए दोनों पर क्यूब है, क्यूब तो क्या करना होगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ऑलराइट, सो बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू 5³ 125 अपॉन 3³ 9 27 ठीक है। ऑलराइट, क्यूबिंग कर दिया। अब आगे फाइंड में देखो ए के आगे 2 है और बी के आगे 1 है, बी के आगे कुछ नहीं मीन्स 1 है, बी क्यूब के पहले कुछ नहीं है तो 1 है और ए क्यूब के पहले 2 है तो 1/2। सो इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ साइड, ये जो बी क्यूब ए क्यूब मिला उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। नेक्स्ट 1 × b³ b³ अपॉन 2 × a³ 2a³ इक्वल्स टू 125 125 अपॉन 27 2 14 और 2 2 54। ऑलराइट, ठीक है, तो बी क्यूब अपॉन 2a³ आया 125 अपॉन 54। अभी बी क्यूब तो आ गया 2a³ भी आ गया, एक प्लस एक माइनस है लेकिन ऊपर माइनस है, फिर वही सेम प्रॉब्लम ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे बाय, अच्छा रीजन ब्रैकेट में लिखता हूँ डायरेक्ट, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बी क्यूब प्लस 2a³ अपॉन बी क्यूब माइनस 2a³ इक्वल्स टू 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 54। ऑल राइट, सो क्या किया मैंने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और यहाँ पे 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 54। यहाँ रीजन लिखने जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है रीजन बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ऑलराइट, आई होप समझा। स्टेप में क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, 125 प्लस 54 करना है और 125 माइनस 54। ये पूरा स्टेप एज इट इज बी क्यूब प्लस 2a³ अपॉन बी क्यूब माइनस 2a³ इक्वल्स टू व्हाट, एक मॉस्किटो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ठीक है, इक्वल्स टू 125 प्लस 54 तो 9
179 5 plus 4 9 2 plus 5 7 179 upon 125 minus 54 तो 5 minus 4 1 12 minus 5 is 7 तो 71 179 upon 71 ठीक है। बट हमें ये नहीं चाहिए, इसका इन्वर्ट चाहिए, ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस, तो क्या करेंगे बाय इन्वर्ट एंडो। तो इन्वर्ट एंडो से क्या आएगा, बी क्यूब माइनस टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस टू ए क्यूब इक्वल्स टू 71 अपॉन 179। दिस इज माई फाइनल आंसर। बाय दैट मैंने मेन क्वेश्चन टू पूरा कंप्लीट कर लिया, मेन क्वेश्चन टू के ऑल फोर सम्स मेरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज मेन क्वेश्चन थ्री। मेन क्वेश्चन टू में मेन क्वेश्चन वन के चार सम, मेन क्वेश्चन टू के चार सम, टोटल आठ सम मैं कर चुका हूँ। मेन क्वेश्चन थ्री वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, तो मेन क्वेश्चन थ्री करके मुझे वीडियो कट करना, स्टॉप करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे सेपरेटली मेन क्वेश्चन फोर जो सब छः क्वेश्चन है उस पर उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, कि ऑलरेडी यहाँ पे 35 मिनट्स कवर हो चुके हैं। सो 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b 4 अपॉन 3 दिया, और फाइंड क्या करना है, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। देखो ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये गिवन है, इसको स्टार्ट करके सॉल्व करना है, पहले ए भी ढूंढना है और फिर ये फाइंड करना है। सो मेन क्वेश्चन थ्री मैंने कॉपी किया, ये गिवन है, इसको सॉल्व करके मैं पहले ए भी निकालूंगा, यहाँ प्लस है नीचे माइनस है, तो मैं सिंपल इसको बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे ए और बी मिल जाएगा। सो 3a प्लस 7b सॉरी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऑलराइट। तो राइट साइड पे भी वही होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसका रीजन बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ऑलराइट। या ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पे रीजन बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे क्या है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम राइट साइड पे 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। नाउ ब्रैकेट ओपन, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 3a प्लस 7b, देखो प्लस 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 3a प्लस 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 7b प्लस प्लस अगेन प्लस 3a प्लस माइनस माइनस 7b द होल अपॉन नेक्स्ट प्लस 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 3a प्लस 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 7b माइनस प्लस माइनस 3a माइनस 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 प्लस प्लस 7b ऑलराइट इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 अपॉन 4 माइनस 3 1। देखो ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन मल्टीप्लाई बराबर करना है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 7b, ये भी माइनस ये भी माइनस 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 प्लस, और फिर ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें प्लस 7b माइनस 7b कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा न्यूमरेटर में, 3a प्लस 3a 6a अपॉन 7b प्लस 7b 14b, 3a प्लस 3a 6a 7b 7b 14b इक्वल्स टू व्हाट 7 अपॉन 1, ऑलराइट। अब ये 14 कहाँ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, 6 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो a अपॉन b इक्वल्स टू 7 इंटू 14 अपॉन 1 इंटू 6, 14 क्रॉस होके न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 क्रॉस होके डिनोमिनेटर में आया, ये न्यूमरेटर में था ना, a से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के ए साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में, 14 डिनोमिनेटर में था इक्वल टू के ओ साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में, ऑलराइट। कुछ कैंसिल हो रहा है तो करना है, जैसे यहाँ पे 2 के टेबल में मुझे दिख रहा है 2 3 जा 2 7 जा कैंसिल हो गया, ठीक है, जो बचा है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सो a अपॉन b इक्वल्स टू 7 7 जा 49 अपॉन 3 1 जा 3, a अपॉन b हमें मिल गया, कितना मिला a अपॉन b 49 अपॉन 3, बट हमें a अपॉन b नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढने क्या बोला है ये, लेकिन ये ढूंढने के लिए पहले a अपॉन b ढूंढना आवश्यक है, मतलब कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है, बिना a अपॉन b ढूंढे हम ये नहीं फाइंड कर सकते, फाइंड ये करना है, लेकिन इसके लिए पहले a अपॉन b ढूंढना ज़रूरी है। सो फाइंड क्या करना है, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, ये फाइंड करने बोला है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए पहले हमें a और b ढूंढना पड़ेगा, तो हमने a और b ढूंढ लिया,
अभी देखो ए के आगे क्या है, पहले ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के बी पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो ए अपॉन बी 49/3 है, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर 49 × 49 का स्क्वायर 49 × 49 किया, मुझे आ रहा है 2381 अपॉन नीचे क्या है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना 3 पे स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9। ऑलराइट, ओ ये थोड़ा सा रॉन्ग है, 44 9 4 36 + 4 44 होता है, मैंने 42 लिख दिया 44, ठीक है। तो मैं यहाँ वापस कर रहा हूँ, 9 9 = 18, 1 नीचे 8 कैरी, 9 4 = 36 + 8 = 44, 4 9 = 36, 3 नीचे 6 3 कैरी, 4 4 = 16 + 3 = 19। ऑल राइट, सो 0 + 1 1, 4 + 6 = 10, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 4 14, 1 कैरी, 2 4 1 2 4 0 1 आ रहा है, 2 3 8 1 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2 4 0 1 अपॉन 3 square 9। ऑल राइट, सो ये करेक्शन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये रॉन्ग था, ये करेक्ट किया है। तो 2 4 0 1 upon 9, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमें मिला 2 4 0 1 upon 9। अभी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के आगे क्या है, 3 और 7, तो हम 3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर नहीं करते तो अच्छा था, बिकॉज यहाँ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 3/7 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 3/7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो 3 × 3a² / 7b² इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 7 3 ज़ा 21 3 कैरी 7 4 ज़ा 28 2 कैरी 7 3 ज़ा 21 343 अपॉन 3। देखो अगर हम लोग 49 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या 49 × 49 लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आगे 3/7 से मल्टीप्लाई होने पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर 7 से डिवाइड किया, आंसर यही आएगा, शॉर्ट में साइड में बताता हूँ बाद में एक बार अलग से, पहले कंप्लीट कर लूँ। अभी 3a² भी आ गया, 7b² भी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, प्लस और माइनस, तो बाय क्या करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्या होगा, 3a² + 7b² / 3a² - 7b² इक्वल्स टू 343 + 3/343 - 3। ऑल राइट, इसका रीजन क्या है, बाय बाय व्हाट, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। सो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, नेक्स्ट स्टेप 3a² + 7b² / 3a² - 7b² इक्वल्स टू 343 + 3 346 / 343 - 3 340, ठीक है। अब ये जो डिवाइड होता है करो, और फिर लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना है, इसका उल्टा, माइनस साइन ऊपर नीचे प्लस के, तो इसको क्या करेंगे, बाय इन्वर्टेंडो। अच्छा ये 2 के टेबल में जा रहा है दोनों, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 2 0 ज़ा, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 अगेन 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, और ये 2 3 ज़ा, ठीक है। तो 173 हमें ये आ रहा है, 173/170। अब इसको क्या करना है, फाइंड के हिसाब से इन्वर्टेंडो करना है, माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो क्या आएगा, 3a² - 7b² / 3a² + 7b² इक्वल्स टू 170/173। दिस इज माय आंसर जो हमें फाइंड करना है। ऑलराइट, तो बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा ये पार्ट में कुछ कैलकुलेशन में किसी को डाउट था तो मैं क्लियर कर दूं शॉर्ट में, कि इसको और सिंपल कर सकते थे, कैसे, a² / b² जब हमने किया, a² / b², मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा करके बता रहा हूँ वर्किंग में। ऑलराइट, सो a² a/b मुझे मिला 49/3, a/b मुझे मिला 49/3। सो a² और b² करेंगे तो क्या आएगा, 49 × 49/3 × 3, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, a² b² करने पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आगे a² है ना, तो a को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और इसको 7 से। सो मल्टीप्लाइंग 3/7 ऑन बोथ साइड, तो 3/7 × a² / b² देखो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया 3/7, तो राइट पे भी होगा 49 × 49 × 3/3 × 3 × 7 3/7, ये 3/7 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, थोड़ा जूम कर लूँ ताकि दिखे। 3/7 मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर, इधर भी किया इधर भी किया। सो यहाँ पे 7 1 7, 7 7 49, 3 1 3 1, तो ये कैंसिल हुआ। क्या बचेगा? 3/7, ये पेज पे करना बेटर होगा। ठीक है, आई होप समझाइए। सो फाइनली 3a² / 7b² आ रहा है 49 × 7/3 × 7। ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, तो 3/3, सिर्फ 3 बचा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई, अनज़ूम करूँ थोड़ा सा, यस। सो 3a² / 7b² इक्वल्स टू 49 7 3 43 3। ये हमें यहाँ पर भी मिला है। ठीक है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन बेसिक बता रहा हूँ कि 49 49 जा लिखना है यहाँ पर। 49 × 49 मत करो, 2401 मत लाओ। ठीक है, डायरेक्ट दो बार 49 लिख दो यहाँ। 49 × 49 × 3/3 × 3 × 7, फिर जो कैंसिल होगा ऑटोमेटिकली ये बचेगा, जैसे मैंने यहाँ साइड में स्मॉल सा वर्किंग करके रफ में बताया। ठीक है, ए अपॉन बी 49/3, तो स्क्वायर किए तो 49 × 49/3, फिर ए स्क्वायर के आगे 3 चाहिए, बी स्क्वायर के आगे 7, तो 3/7 a² / b² इक्वल्स टू 49 × 49 × 3, 3 × 3 × 7, 7 1 7 7 3 3 कैंसिल, 49 7 3 43, 3 7 20, 49 7 3 43, और ये खाली 3 1 3। ठीक है, सो दिस आई गॉट, इसके आगे का मैंने यहाँ किया है, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना है एंड सो ऑन। फाइनली वी गॉट द आंसर 170/173। इसके साथ मेरा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब मेन क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर 6 सब क्वेश्चंस है। मेन क्वेश्चन नंबर 4 में 6 सब क्वेश्चंस है, तो अभी आगे बहुत लेंदी है, ऑलरेडी 46 मिनट का वीडियो बना है। अगर मैं इसका भी वीडियो कंटिन्यू करूँगा तो 1.5 घंटे के ऊपर का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और वो अपलोड नहीं होता है, प्रॉब्लम वीडियो बनाने में नहीं, अपलोड हार्डली होता है। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो 4.3 का सेकेंड वीडियो में मैं 4th सम के 6 सब क्वेश्चंस कवर करूँगा, ऐसे भी लेंदी क्वेश्चंस है। ऑलराइट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वो क्या है, बेल आइकन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो प्रेस कर दो, ताकि अगला वीडियो जैसी आए नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और एक बार रिपीट करूंगा, शेयर द वीडियो विद ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। जितने भी तुम्हारे 9th के दोस्त हैं सबको साथ ये वीडियो को शेयर करो, ताकि सबका भला हो। ठीक है, थैंक यू।